आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नजमुद्दीन शेख। राजपुर में आज से 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों का वैक्सीनेशन राजपुर के शासकीय महाविद्यालय में शुरू हुआ। वैक्सीनेशन के लिए 16 मई को 10:30 बजे स्लॉट ओपन हुआ था। 100 लोगों का स्लॉट देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में बुक हो गया। आज 17 मई को वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। टीका लगवाने पहुंचे युवाओं का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी भी युवाओं के स्वागत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के स्वागत के साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। 12 बजे तक 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन का आंकड़ा 55 के पार पहुंच चुका था और युवाओं का उत्साह जोश के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने का क्रम जारी रहा। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाया आपने, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार का और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने 18+ व्यक्तियों को वैक्सीनेशन प्रारंभ किया। हम जरूर इस लड़ाई से लड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जल्द ही उभरेंगे कोरोना से। वैक्सीनेशन सेंटर में भी बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ पर हमारा तिलक लगा के स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई। आधा घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला और बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे विनती करना चाहूँगी कि आप सभी आपके वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भी वैक्सीन हो वो वैक्सीन लगाएं। धन्यवाद।